हमारा टॉपिक है आज का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी कि नाइट्रोजन कुछ पॉलीमेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेल की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करते हैं। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है उसकी फोर स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है नाइट्रोजन साइकिल, सेकेंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड लास्ट है इसमें अमोनिफिकेशन। अगर हम फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट करें तो फर्स्ट जो इसकी स्टेज आती है वो आती है यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देखिए क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में उसका जो है सोर्स उसका जो होता है वो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो जो है हमारा नाइट्रोजन का सोर्स होता है। और ये एक मॉलिकुलर नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है ये यूजेबल फॉर्म नहीं होती। डायरेक्ट इस फॉर्म को कोई भी प्लांट या एनिमल जो है यूटिलाइज नहीं कर सकता, बल्कि इसकी जो यूजेबल फॉर्म्स होती हैं वो होती है अमोनिया NH3, इसके अलावा NO2 यानी कि नाइट्राइड और NO3 यानी कि नाइट्रेट। ये जो है इसकी यूजेबल फॉर्म्स होते हैं अमोनिया, नाइट्राइड और नाइट्रेट। ये तीनों की जो होती है फॉर्म्स, ये तीनों यूजेबल फॉर्म्स होती हैं। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इसमें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो नाइट्रोजन साइकिल में आती है। इसके थ्री जो है इसके तरीके होते हैं, थ्री वेज होती है जिनकी वजह से जो है ये यूजेबल फॉर्म्स जो है हमको मिलती हैं। एक तो होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रोसेस, दूसरी होती है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और थर्ड होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तीनों ही जो है वो मेथड्स हैं, वो वेज हैं जिनकी वजह से जो है ये नॉन यूजेबल वाले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब क्या है इसको अगर मैं और थोड़ा सा सिंपल उसमें हम समझें तो जो ये हमारी यूजेबल फॉर्म है यानी कि अमोनिया, नाइट्राइड और नाइट्रेट, ये जो हमारी यूजेबल फॉर्म्स हैं ये यूजेबल फॉर्म्स को जैसे ये नाइट्रेट है या ये जो यूजेबल फॉर्म है ये हमारी प्लांट्स इनको जो है यूज करते हैं, प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेगा अपने जो भी उसको लाइक ग्रोथ के लिए या फर्टिलाइजर के लिए नाइट्रोजन यूज की जाती है, प्लांट्स इसको यूज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स को फूड के फॉर्म में एनिमल्स जो है वो लेते हैं, एनिमल खाने के लिए लेते हैं प्लांट्स को। तो ये हो जाती है। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स है इनका जो डिके वाला मटेरियल आता है लाइक डेथ एंड डिके वाला जो मटेरियल आता है उससे जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। जो नाइट्रोजन ऊपर से आई है ना वही नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स से होती हुई वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है अमोनिफिकेशन। ये प्रोसेस अमोनिफिकेशन कहलाती है। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है बाय डिकेइंग बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है, एनिमल्स का एक्सक्रीटा यानी कि एक्सक्रीटा उनका जो निकलता है वो निकलता है उनका यूरिया के फॉर्म में, वो भी जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुई और प्लांट्स और एनिमल्स ने उसको यूज़ किया और वापस से वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई है। तो ये जो प्रोसेस आती है ये आती है वो भी नाइट्रोजन साइकिल में। इसके लिए कुछ इक्वेशंस भी हैं लाइक जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन अगर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है। N2 प्लस O2 मीन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलती है और ये किस तरह से जो है ये प्रोसेस हो रही है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में हमें हम देखे जो अभी हमने इसके थ्री फेज देखे थे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो इसका वे था उसमें क्या था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिल रही है। ये किस कंडीशन में रेनी सीजन में हो रही है, यहाँ पे यूवी रेज की प्रेजेंस भी है और लाइटनिंग यानी कि जो बिजली चमकती है बारिश के टाइम पे उसकी प्रेजेंस भी हो रही है और ये NO2 और NO3 में कन्वर्ट हो
जाती है, यानी कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में। अब यही दोनों जो है जब वाटर के साथ में मिलते हैं, वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन होती है, तब ये बनता है HNO2 और HNO3। ये दो कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं HNO2 और HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड। और जब इनकी एक्सेस हो जाती है बारिश के पानी में, उसको ही हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो वे अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल का लिया, जिसके से जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी वो हमारी यूजेबल फॉर्म में आई। दूसरा इसमें आया इंडस्ट्रियल वाला जो नाइट्रोजन फिक्सेशन था। इंडस्ट्रियल वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है कि हाइड्रोजन की मॉलिकुलर वाली कंडीशन है और नाइट्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में है और दोनों मिलकर अमोनिया बना लेते हैं, ठीक है। अब यही अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर यूरिया का फॉर्मेशन होता है किसी से, और यूरिया जो है वो प्लांट्स जो है वो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब थर्ड हमारा इसमें आता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आता है हमारा इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दो तरह से होता है। एक बताया था मैंने आपको दूसरी वीडियो में से पहले वाली में, फ्री लिविंग वाला और फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और यानी कि नॉन सिम्बायोटिक, और ये दूसरा जो है ये है सिम्बायोटिक टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो फ्री लिविंग है उसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पे एजोटो वेक्टर, और जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसका हम दे सकते हैं साइनोबैक्टीरिया हो गया है और राइजोबियम हो गया है। ये दोनों जो है हमारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस आती है वो आती है नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन, और नोड्यूल फॉर्मेशन किसके होते हैं, जो लेग्यूम्स होती हैं, जो पल्सेस होती हैं उनके रूट्स में होती है। किस तरह से होती है ये देखिए, ये इसकी रूट है, एक ये रूट का स्ट्रक्चर है और ये इसमें जो है रूट हेयर निकले हुए हैं। ये रूट है और ये रूट हेयर यहाँ से निकले हुए हैं। ये रूट हेयर में एक जो नाइट्रोजन, अच्छा इसके बाद में रूट हेयर के साथ में ये एक कॉम्प्लेक्स है जो हमने पहले में इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये, नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इस रूट हेयर में इन्फेक्शन कॉज करता है। नाइट्रोजिनेज जो होगा वो रूट हेयर में इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से जो रूट हेयर होगा उसमें कर्लिंग हो जाती है। कर्लिंग यानी कि रूट हेयर जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, जैसे अभी ये सीधा था ना, अभी ये क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, ये रूट हेयर पे यहाँ पे कर्लिंग हो जाती है, रूट हेयर की कर्लिंग। अब रूट हेयर की कर्लिंग जब हो गई है, नाइट्रोजिनेज ने इसमें इन्फेक्शन कॉज कर दिया, रूट हेयर की कर्लिंग हो गई है। अब जब ये इन्फेक्शन होगा, ये अभी रूट हेयर में था, यहाँ पे था रूट हेयर में, अभी ये इन्फेक्शन ना रूट हेयर से कॉर्टेक्स में पहुँच जाएगा। इन्फेक्शन कहाँ पहुँचेगा, इन्फेक्शन रीच टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में ये इन्फेक्शन पहुँच जाएगा, अंदर पहुँच जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बैक्टीरियोइड्स के साथ में इसका होगा। बैक्टीरियोइड्स जो होंगे वहाँ पे, इसमें यहाँ पे दो तरीके आ जाएगा, एक तो इन्फेक्शन कॉर्टेक्स में जाएगा सो बैक्टीरियोइड्स बनेंगे, और दूसरा यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस भी कॉर्टेक्स में ही स्टार्ट हो जाएगी। अब जो बैक्टीरियोइड्स हैं, ये बैक्टीरियोइड्स जो है वो सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा। ये सेल डिवीजन किसमें होगा, कॉर्टेक्स में सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर एक मास सेल का फॉर्मेशन होगा। मास सेल फॉर्मेशन, ये मास सेल कहाँ पे बनेगी, ये बन गई यहाँ पे, ये सेल का जो है वो मास सेल, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल एक जगह इकट्ठी हो गई, उसमें गुच्छा है, मास सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और इसी मास सेल को क्या बोलते हैं, नोड्यूल, जो गांठे में मिलती हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन। इस तरह से जो है ये सॉरी नोड्यूल फॉर्मेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में होता है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल का।
बोला था कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होती है उसका नेक्स्ट स्टेप आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी कि जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, हमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट है हमें उसके लिए नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की या नाइट्रोजिनेस एंजाइम की, और नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो होता है वो एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, एनारोबिक में। और इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम में, FeFO करके ये प्रोटीन होता है, और इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है Fe यानी कि आयरन, और दूसरी होती है FeMO यानी कि आयरन मॉलिक देना। इसके अलावा इसमें यहाँ पे लैग हीमोग्लोबिन के भी जो है रिक्वायरमेंट होती है। लैग हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर क्यों, देखो क्योंकि ये नाइट्रोजनस जो होता है वो एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, ठीक है। और जैसे कि किसमें होता है ये राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर की भी रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रोजन डोनर हमें मिलता है पाइरूविक एसिड और ग्लूकोज के लिए। ATP यहाँ पे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है। और कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बाइंड करता है अमोनिया के साथ में, इसकी बाइंडिंग होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है इसको देखते हैं, नाइट्रोजनस की प्रेजेंस में कैसे हो रहा है वो देखते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, नाइट्रोजिनेस है ये, जिसके ऊपर ये हमारा नाइट्रोजन और इसके बीच में हमारे थ्री बॉन्ड्स हैं। अब इस पे हाइड्रोजन के साथ में इसका रहेगा तो किस तरह से होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पे जब आएगा ऐड होगा तो ये जो नाइट्रोजन के बीच में हमारे जो है वो थ्री बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड हमारे दो बॉन्ड जो ये बॉन्ड्स हैं प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरह से। अगेन ये प्रोसेस कैसे होगी, ये अगेन हमारा नाइट्रोजनेज है, नाइट्रोजन अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो प्रोटॉन दो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में अगेन ये नाइट्रोजनेज आएगा, दो अमोनिया मॉलिक्यूल मिलेंगे। इस पूरे प्रोसेस की एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, 2N2 प्लस दो इसमें हाइड्रोजन आयन, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, 8 प्रोटॉन्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ATP की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है, और अब हमारा क्या बना, दो हमारे यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल बने प्लस 16 ADP यहाँ पे बना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के भी यहाँ पे थे, और वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे हमारा रिलीज हुआ। ये पूरी प्रोसेस हमारी आई नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या है, जो अमोनिया हमें हमारा था वो अमोनिया हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया थे उनमें ये इक्वेशन उनकी प्रेजेंस में या उनके थ्रू ये इक्वेशन हो रही रिएक्शन चल रही है, और हमारा आगे बनता है नाइट्रेट और वाटर।
जो नाइट्रेट यहाँ बना, यही नाइट्रेट जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर स्पीशीज के थ्रू, तब हमें यहाँ पे मिलता है नाइट्राइट। ये था हमारा नाइट्रिफिकेशन का। अब इसका लास्ट स्टेप आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा डेड बॉडी के मटेरियल था, जो एक्सक्रीटा था, उसका जो रोल, उसका अमोनिया में कन्वर्जन हो सारा, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे